चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना right, right, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बींग एज अ वर्ब इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब बी बींग एज अ वर्ब एक वर्ब के रूप में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बी फॉर्म ऑफ अ वर्ब का इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है एस एम आर इसका पास्ट फॉर्म होता है वाज वो इसका पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है बीइंग जिसकी हम आज बात कर रहे हैं तो ये वर्ब की तरह भी काम करेगा ना उनकी तरह कर सकता है आज बात करेंगे एडवर्ब की तरह विल फिगर इट आउट ठीक है तो इन सारे यूसेजस की बात करेंगे कि किन-किन सिचुएशन में बीइंग का यूज करा जाता है चलिए सिचुएशन नंबर 1 Being is used as a main verb in present continuous tense and past continuous tense. Present continuous tense में और past continuous tense में being का use करते हैं as a main verb. अब देखो present continuous tense ऐसा tense है जिसमें हम बात करते हैं कि present में क्या काम हो रहा है Past continuous tense में हम बात करते हैं कि past में क्या हो रहा था एक समय में past में क्या हो रहा था Being एक state दिखाता है कोई dynamic action नहीं दिखा रहा ठीक है ये मेन वर्ब बट ये डायनेमिक एक्शन नहीं दिखाएगा कुछ ऐसा एक्शन नहीं दिखाएगा कि मतलब आप देख सको जिसे ये स्टेटिव की तरह काम करेगा ठीक है राइट मैक्स कहता है hey John, like मुझे आपकी सिस्टर पसंद है मैं उससे शादी करना चाहता हूं जॉन कहता है हा हा या श्योर क्यों नहीं मैक्स कहता है आई आई रियली टू मैरी हर एम नॉट किडिंग मैं सही में उससे शादी करना चाहता हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूं जॉन कहता है आई यू बींग सीरियस राइट नाउ मैक्स क्या तुम अभी सीरियस हो रहे हो देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है सेंटेंस है ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का आई यू बीग सीरियस राइट नाउ क्या आप सीरियस हो रहे हो ठीक है आर है हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब अगर मैं आपसे बोलूं आर यू सीरियस क्या आप सीरियस हो इसका मतलब अलग है आर यू बींग सीरियस क्या जान मुझ के सीरियस हो रहे हो तो काम हो रहा है होना काम क्या है होना बट इस काम को आप देख नहीं सकते आर यू बींग सीरियस राइट नाउ मैक्स क्या आप अभी सीरियस हो रहे हो जिस पे मैक्स कहता है यस आई एम बींग सीरियस एंड ऑनेस्ट राइट नाउ मैं अभी सीरियस भी हो रहा हूं और ऑनेस्ट भी हो रहा हूं तो यहां पर इन सेंटेंसेस में हम बींग का यूज कर रहे हैं दिखाने के लिए कि प्रेजेंट में कोई व्यक्ति एक स्टेट में जा रहा है चलिए स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और पास्ट टेंस में पास का कैसे यूज करते हैं और तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट फिर यूज करेंगे द सब्जेक्ट के साथ आर फिर यूज करेंगे मेन वर्ब बिंग जो कि स्टेट दिखाएगा कि व्यक्ति की स्टेट में जा रहा है फिर उसके आगे यूज करेंगे एडजेक्टिव या ना या एडजेक्टिव या ना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सब्जेक्ट वाज़ वो सिंगुलर सब्जेक्ट आई ही शी इट के साथ वाज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो फिर यूज करेंगे बिंग फिर यूज करेंगे एडजेक्टिव या ना एग्जाम्पल्स देखो यू आर बींग फनी आप फनी बन रहे हो देखो दोस्त समझो इसको यू आर फनी यू आर बींग फनी में जमीन आसमान का फर्क है अगर मैं आपको बोलू यू आर फनी इसका मतलब है आप फनी हो आप फनी हो ठीक है अगर मैं बोलू यू आर बींग फनी आप फनी बन रहे हो ये काम हो रहा है अभी प्रेजेंट में ये कोई काम डायनेमिक काम नहीं है बट ये स्टेटिव एक्शन है मतलब आप इस स्टेट में जा रहे हो आप डेलीबरेटली ये बन रहे हो यू आर बींग फनी आप शायद पास में फनी नहीं थे आप ऐसे नहीं हो बट अभी प्रेजेंट में आप ये कर रहे हो यू आर फनी मतलब आप फनी हो थे हो हमेशा फनी हो ठीक है ये आपकी क्वालिटी है यू आर बींग फनी राइट नाउ अभी आप फनी बन रहे हो समझ रहे हो दूसरा एग्जांपल देखो शी इज बींग सिली राइट नाउ वो अभी मूरख बन रही है शायद वो मूरख नहीं है शायद नॉर्मली जनरली वो मूरख नहीं है सिली नहीं है बट अभी प्रेजेंट में वो ये काम कर रही है वो बिहेव कर रही है सिली जैसा

तो ऐसे हम यूज करेंगे बींग का एज अ स्टेटिव वर्ब एज अ मेन वर्ब इन प्रेजेंट कॉन्शियनस टेंस इन पास्ट कॉन्शिनियस टेंस ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो नोट कर लो इसको आप बींग के आगे एक इमोशन नहीं लगा सकते एक ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते एक ऐसा एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते जो फीलिंग या इमोशन दिखाए रीजन रीजन देखो आप यू नहीं बोलोगे आई एम बिंग हैप्पी आप यू नहीं बोलोगे आई एम बिंग सैड आप यू नहीं बोलोगे आई एम बिंग एक्साइटेड रीजन इसका ये है कि आप हैप्पी जानमूझ के नहीं होते आप सैड जानमूझ के नहीं होते अरे यार सारे हैप्पी दिख रहे हैं सारे किसी की मैयत में गए सब दुखी हैं सब सैड हैं और आपको भी लग रहा है कि अरे सैड हो जाना चाहिए तो आपने बटन दबाई अपनी और आप सैड हो गए नहीं आप ऑटोमेटिकली फील करते हो हैप्पी या सैड तो आप जान मुझ के हैप्पी या सैड या एक्साइटेड नहीं हो सकते यू जस्ट गेट हैप्पी और सैड और एक्साइटेड तो ऐसे कुछ एज्जेक्टिव हैं इनका यूज मत करना बींग के आगे कुछ ऐसे एजेक्टिव जो आप फील जान मुझ के नहीं कर सकते अब मैं आप पे छोड़ दूंगा कि ये कौन से हैं कुछ कॉमन मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी ठीक है दिस इज यूसेज नंबर वन दूसरा हम यूज करते हैं बींग का प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट पास टेंस के पैसिव वॉइस में एज अ हेल्पिंग वर्ब

किस पे काम किया जा रहा है उस काम को कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो जब आप बोलना चाह रहे हो कि प्रेजेंट में क्या किया जा रहा है, किस पे काम किया जा रहा है तब आप यूज करोगे बींग का एज हेल्पिंग वर्ब द एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन शी इज फूड राइट नाउ वो अभी खाना बना रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस्टेंस एक्टिव वॉइस ये काम अभी प्रेजेंट में किया जा रहा है कौन कर रहा है फूड राइट नाउ कॉप्स वो बीटिंग योर फ्रेंड ब्रूटली लास्ट नाइट कल रात पुलिस वाले आपके दोस्त को बहुत बुरी तरीके से सूत रहे थे तो ये दोनों सेंटेंसेज एक्टिव वॉइस में है पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस्टेंस दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस्टेंस फोकस है काम करने वाले पे कि ये व्यक्ति ये काम कर रहे थे ये प्रेजेंट में ये पास्ट में अब अगर मुझे बोलना है कि खाना बनाया जा रहा है कुछ लोग घर पे आए हैं सब भूखे हैं दोस्त हैं समझ लो और सब मतलब मरे जा रहे हैं और कह रहे भाई खाना यार खाना है यार खाना मैं कह रहा हूं खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। उसको बना रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं खाना बन रहा है तो मैं क्या बोलूंगा द फूड इज फूड इज बींग कु राइट नाउ कॉब्स वो बीटिंग योर फ्रेंड ब्रूटली लास्ट नाइट कल रात आपके दोस्त को आप पुलिस वाले मार रहे थे अब मुझे बोलना है कि कल आपके दोस्तों को मारा जा रहा था कल आपके दोस्त को पीटा जा रहा था कौन पीट रहा था वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बोलू येंड वॉज नाइट समझ में आया चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि कैसे आप फॉर्म करोगे इस तरीके के सेंटेंसेस को प्रेजेंट पैसिव वॉइस एंड पास्ट पैसिव वॉइस प्रेजेंट पैसिव वॉइस पहले वो ऑब्जेक्ट लगाओ जो एक्चुअली सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में ठीक है जिसपे काम हो रहा है फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ठीक है फिर आप यूज करोगे बींग फिर यूज करोगे पास वी थ्री फिर अगर कौन उस काम वो कर रहा है अगर आप डालना चाहते हो बात करना चाहते हो तो बाय उस उस डूअर का नाम ये ऑप्शनल है इसको आपकी मर्जी है ऐड करना है तो करो नहीं करना है तो मत करो तो यहां पर इज एम आर बींग है हेल्पिंग वर्ब्स वी थ्री पास्ट पार्टिसिपल है मेन वर्ब ठीक है पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड वॉइस में सब्जेक्ट Was were, बाकी सारा सेम एग्जाम्पल्स देखो योर एफर्ट्स आर आपके एफर्ट को एप्रीशिएट किया जा रहा है कौन कर रहा है आपको ऑलरेडी पता है शायद जो व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से से जिस आपकी बात हो रही है वो और आप दोनों जानते हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बोल रहे हो कौन अप्रिशिएट कर रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है ऑलरेडी अंडरस्टूड है इसलिए आप इसको पैसिव वॉइस में बोल रहे हो योर एफर्ट्स आर एप्रिशिएटेड प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आप आर यूज कर रहे हो योर एफर्ट्स आर एप्रिशिएटेड

डायरेक्टर uh, उस समय उस मूवी को बना रहा था डायरेक्टर या वो उस movie को उस बना रहा था. पिछले महीने लिखी जा रही थी आपको ऑलरेडी पता है कि कौन लिख रहा था तो आप उस पर फोकस नहीं डालना चाहते आप डालना चाहते किस पे काम हो रहा था दैट बुक वॉज बिंग रिटन लास्ट मंथ ठीक है तो इस तरीके से दूसरा यूसेज है बींग का

Max कहता है, डू यू लव जॉब ज्योति क्या आपको अपनी जॉब से प्यार है ज्योति? ज्योति कहती है, है yes, जी मुझे हाँ, मुझे प्यार प्यार. आर्टिस्ट होने से, आप किसी चीज से तो प्यार करोगे या किसी चीज से या किसी व्यक्ति से उसका नाम होगा दैट मीन्स दैट इज अव अब यहां पर वो किससे प्यार करती है बींग एन आर्टिस्ट आर्टिस्ट होने से तो बींग एन आर्टिस्ट यहां पर एक जेर फ्रेज है और अ नाउन ठीक है और फिर वो कहते हैं, क्या आपको भी अपनी जॉब से प्यार है, है, कहता मुझे नफरत नहीं है being a teacher, teacher होने से, अब आपको नफरत तो किसी चीज से होगी ना किसी व्यक्ति से या किसी चीज से और उसका नाम होगा और जिस चीज का एक नाम होता है उसको हम बोलते हैं नाउन तो बींग टीचर अगेन यहाँ पर नाउन फ्रेज है नाउन है टीचर बट आई डेफिनेटली टीचर होने से नफरत नहीं है बट मुझे नफरत है being told what to do, बोले जाने से कि क्या करना है अब ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है बींग टोल्ड वू डू जेरन फ्रेज है पैसिव वॉइस में तो वो किसी को नहीं बोल रहा है क्या करना है उसको बोला जा रहा है कि क्या करना है उसको इससे नफरत है कि कोई उसको बोले क्या करना है ठीक है आप जेरन Uh, के कितने फॉर्म्स होते हैं इसको uh, समझ सकते हो मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे डिटेल्ड वीडियो है लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में ठीक है आगे बोलता है इसके फायदे, टीचर होने के फायदे अच्छे द पर्कस ऑफ किसके फायदे बींग टीचर टीचर के होने के फायदे टीचर होने के फायदे द पर्कस ऑफ ऑफ किसका नाउ नहीं आएगा ऑब्वियसली बींग अ टीचर टीचर होने के फायदे आर ग्रेट दो इसके फायदे अच्छे हैं। तो इस तरीके से हम बींग नाउन यूज करते हैं ठीक है पार्टिसिपल फ्रेजेस ऑलरेडी मेरा लेसन है आप चेकआउट कर सकते हो डिटेल में बता रखा है क्या होता है पार्टिसिपल फ्रेजेस में हम बींग का यूज करते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस बेसिकली एक नाउन को मॉडिफाई करती है एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं या ये एडवर्ब की तरह काम करेगी, वर्ब को मॉडिफाई करेंगे एक सेंटेंस में एग्जांपल आपके सामने है कैसे यूज करा जा रहा है बीइंग का इन फ्रेजेस में आपको अभी समझ में आएगा बीइंग स्केयर्ड टू डेथ आई डोंट प्ले विद डॉग्स मैं डॉग्स के साथ कुत्तों के साथ नहीं खेलता बीइंग स्केयर्ड टू डेथ डरे होने के कारण भयंकर डरे होने के कारण भयंकर डरे होने के कारण मैं कुत्तों के साथ नहीं खेलता तो बींग यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग में ठीक है है। और ये पूरी फ्रेज बींग स्केट टू डेथ मोडिफाई कर रही है प्ले को और बता रही है कि मैं क्यों नहीं खेलता कुत्तों के साथ वाई डू आई नॉट प्ले विद डॉग्स बिकॉज आई एम स्केट टू डेथ मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं ठीक है तो ये एडवर्ब की तरह भी काम कर रही है और एक तरीके से ये इस सब्जेक्ट को भी मॉडिफाई कर रही है। डेथ मेरे बारे में बता रही है मैं कैसा हूं बहुत भयंकर तरीके से डरा हुआ हूं ठीक है दूसरे एग्जाम्पल देख लो राहुल बींग फादर ऑफ टू किड्स डज नॉट फ्लर्ट विद गर्ल्स राहुल जो कि दो बच्चों का बाप है राहुल दो बच्चे के दो बच्चों का बाप होने के कारण डॉट फ्लट विद गर्ल्स तो ये सब्जेक्ट को भी मोडिफाई कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है और यह भी बता रहा है कि वो लड़कियों से फ्लड क्यों नहीं करता बिकॉज ऑफ बींगा किड्स आप इनको चेंज भी कर सकते हो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में आप इनको चेंज कर सकते हो मोडिफाइंग फ्रेजेस में आप ये बोल सकते हो बिकॉज आई एम स्केर टू डेथ आई डोंग्स बिकॉज ऑफ बींग स्केथ डॉग्स

और आप इसको बहुत कॉन्फिडेंटली यूज कर पाओगे इन डिफरेंट सिचुएशन मेरी वेबसाइट पे इसके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल है वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और यहीं पे होती है वीडियो खत्म चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इफ़ यू हैव एनी एनी क्वेश्चंस डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द तब तक के लिए बहुत सारा प्यार सुविधा के लिए खेद है दिया ही नहीं है असुविधा खेत का आएगा और बाय सी यू गैस